सत श्री अकाल जी सारे नू स्वागत है ताड़ा यम तड़का पंजाबी कुकिंग दे विच। आज बनावांगे आपां बहुत ही टेस्टी बेसन की बर्फी। इस बर्फी नू बनाउण लई आपां सिर्फ 20 मिनट का टाइम लगेगा। तो इस बेसन की बर्फी के अगे बाजार की बेसन की बर्फी बिल्कुल फेल है। तो बिल्कुल सही मापना बिल्कुल सही मेजरमेंटा आपां ये बर्फी बना के तैयार करांगे। तुसीं इस वीडियो नू एंड तक जरूर देखना, स्किप बिल्कुल ना करना, तां ही तुहानू सारी रैसपी समझ में आएगी। जे तुहानू मेरी रैसपीज पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल यम तड़का पंजाबी कुकिंग नू जरूर सबसक्राइब करो ते नाल लगदे बैल आइकन जरूर प्रेस करो ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुहानू सब तो पहला मिलन। ते आओ रैसपी बनाना शुरू करते हैं। सिर्फ तीन चीज़ां नाल आपां इह मिठाई तैयार करांगे। इत्थे मैं बेसन लिया है, एक कप मैं इत्थे बेसन लिया है। तो बेसन नू आपां छान के लेना है। तो पौना कप मैं इत्थे चीनी ली है। जे तुसीं घट मिठा खाते हो तो एक चम्मच घट कर सकते हो। तो देसी घ्यो लिया है मैं अद्धा कप, इस तो ज़्यादा घ्यो नहीं लैना। तो घ्यो तुसीं देसी या डालडा कोई भी ले सकते हो। ये मिठाई जिहड़ी है घ्यो विच ही बनती है। तो हुण आपां इधर लिया है एक पैन, तो इहदे विच आपां इह चीनी पा देवांगे। तो जिन्नी चीनी ली है आपां उन्ना ही आपां पानी पाउणा है। पौना कप ही इत्थे मैं पानी दा लिया है। तो हुण आपां इसकी चाशनी बना के तैयार करांगे। पैन हुण मैं गैस के उपर रख दिता है। तो हुण आपां इहनूं हल्का जिहा हिलावांगे ते आपां इहनूं गाढ़ी होण तक पकाना है। तो हुण बॉयल आना शुरू हो गया है। जिहड़ी चीनी है वह भी इहदे विच चंगी तरह खुर गई है। तो हले आपां इहनूं होर पकावांगे। लगातार आपां इहनूं पकाउंदे रहांगे तां कि चाशनी साडी गाढ़ी हो जावे। तुसीं देख सकदे हो कि चाशनी हुण गाढ़ी होणी शुरू हो गई है। तो चाशनी नूं आपां विच-विच हिलाउंदे रहांगे। तो हुण चाशनी गाढ़ी होणी शुरू हो गई है, तुसीं देख सकदे हो। हुण आपां इहनूं चैक करांगे। सानूं इक तार दी चाशनी चाहीदी। तुसीं देख सकदे हो इक तार बन रही है, बस इसे तरह दी सानूं चाहीदी है। थोड़ा सा गैस की फ्लेम बंद कर देवांगे। साडी हुण चाशनी बिल्कुल तैयार है। तो हुण असीं कढ़ाई विच अद्धा कप जिहड़ा है घिओ दा पावांगे। तो घिओ हुण मेल्ट हो गया है, तां असीं इहदे विच एक कप बेसन पा देवांगे। तो हाले असीं लो फ्लेम दे उपर रोस्ट करांगे। तो लगातार आपां इहनूं हिलाउंदे रहांगे। तो हुण बेसन ते घ्यो जिहड़ा है चंगी तरह नाल आपस विच मिल गए हन। तो हुण आपां गैस की फ्लेम जिहड़ी है मीडियम कर देवांगे। लगातार आपां इहनूं हिलाउंदे रहांगे तां कि बेसन विच कोई गंढ ना बने ते नाल इह जले ना। तो गोल्डन ब्राउन होण तक आपां इहनूं रोस्ट करांगे। फ्लेम नूं आपां इत्थे मीडियम रखांगे। तुसीं देख सकदे हो साडा जिहड़ा घिओ है बिल्कुल सही है, सानूं इसे तरह दा ही चाहिदा है। तो हुण तुसीं देख सकदे हो कि जिहड़ा बेसन दा टैक्सचर है बिल्कुल क्रीमी ते स्मूथ हो गया है। ते लगातार मीडियम फ्लेम दे उपर आपां इहनूं रोस्ट करदे रहांगे, इसे तरह हिलांदे रहांगे। तो हुण बेसन का कलर जिहड़ा हल्का जिहा चेंज होना शुरू हो गया है, तुसीं देख सकते हो। लगातार आपां इहनूं इसे तरह हिलाउंदे रहांगे। अगर थोड़ा जिहा वी आपां इहनूं हिलाउणा बंद करांगे तां इह जिहड़ा बहुत जल्दी जल जाएगा, क्योंकि साडा घिओ बहुत गर्म है ते कढ़ाई भी बहुत ज़्यादा गर्म होई पई है इस टाइम। तो हुण बेसन का कलर जिहड़ा है चेंज होना शुरू हो गया है, बेसन भी जिहड़ा है थोड़ा डार्क हो गया है। असीं थोड़ा जिहा इहनूं होर करांगे। तो हुण बेसन का कलर जिहड़ा है गोल्डन ब्राउन हो गया है, बस इसे तरह का सानूं चाहीदा है। हुण आपां गैस की जिहड़ी फ्लेम है वह बंद कर देवांगे। तो बेसन हुण चाशनी वास्ते बिल्कुल तैयार है, तुसीं देख सकते हो। तो हुण आपां इहदे विच चाशनी पावांगे ते नाल नाल आपां इहनूं हिलाउंदे रहांगे। एक हाथ नाल आपां चाशनी पावांगे ते दूसरे हाथ नाल आपां इहनूं हिलाउंदे रहांगे इसे तरह। तो लगातार आपां इहनूं हिलाउंदे रहांगे तां कि चाशनी दे गंढा ना बन जाण बेसन दे विच। ते बहुत ही वधिया साडा बेसन जिहड़ा तैयार हो रहा है। तो फ्लेम असीं बंद रखी हुई है इत्थे।
चाशनी नूं पहले ही बना के रख लो, हल्की ठंडी कर लो। जे चाशनी गर्म होएगी तो उधर बेसन भी गर्म होएगा, तो साड़ी जेड़ी बेसन की बर्फी है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। इस करके चाशनी नूं ठंडा करना बहुत ही जरूरी है। तो हुण तुसीं देख सकते हो कि साड़ा बेसन जेड़ा है थोड़ा जिहा सख्त होना शुरू हो गया है। तो हुण आपां इन्हां नूं साइड तों भी इस तरह उतार लवांगे। इस तरीके नाल बेसन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तुसीं भी इह तरीके नाल बेसन बनायो तो फिर मैनूं दस्सो कि तुहाडा बेसन किस तरह बनिया। तो हुण साडा बेसन बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है, तुसीं देख सकते हो। हुण आपां इत्थे इक थाली जां ट्रे लवांगे ते इहदे विच हल्का जिहा घिओ ग्रीस कर देवांगे इस तरह ब्रश दे नाल, जां तुसीं उस तरह भी लगा सकते हो। तो हुण आपां इहदे विच तैयार कीता होया बेसन पा देवांगे। तो हल्का जिहा आपां इहनूं इक वारी हिलावांगे इस तरह तां कि जिहड़ी साडा बैटर है उह पूरी तरह थाली विच सैट हो जावे। तो उपरों दी आपां इस तरह हल्का जिहा इस तरह लैवल इहदा सैट कर देवांगे तां कि उपरों जिहड़ी है साडी बर्फी बिल्कुल प्लेन बणे। तो हुण आपां इहनूं ठंडा होण वास्ते रख देवांगे। फ्रिज विच बिल्कुल नहीं रखणा, ठंडी जगह ते इहनूं ठंडा करन वास्ते रख देवो। तो हुण साडी बेसन की बर्फी जिहड़ी है बिल्कुल सैट हो गई है, तुसीं देख सकते हो। तो हुण आपां इहनां नूं इक नाइफ नाल कट लवांगे। पहलां आपां साइड्स कट्टांगे इस दीआं। तो हुण आपां इहनां नूं पीसां विच कट लवांगे। तुसीं अपनी पसंद दी कोई भी शेप दे सकते हो। तुसीं देख सकते हो साडी बेसन दी बर्फी बिल्कुल तैयार है, बहुत ही अच्छी बर्फी बनी है। तो जदों तुसीं इह वाली बर्फी बनाओगे ना, तुसीं बाजार दी बर्फी कदी नहीं खाओगे, बहुत ही अच्छी लगती है। तुहानूं मेरी अज दी रेसिपी किस तरह लगी मैनूं कॉमेंट्स विच जरूर दसना। तो मेरे चैनल यम तड़का पंजाबी कुकिंग नूं जरूर सबसक्राइब करना। तो फिर मिलदे इक नवीं रेसिपी दे नाल, उदों तक लई सति श्री अकाल।